Okay.
हिंदुस्तान, पाकिस्तान, उसकी सरहद और सरहद से थोड़ा आगे पंजाब का दक्षिणी इलाका, जहाँ का एक छोटा सा गांव मीर वाला, वहीं की रहने वाली मुख्तार बीबी, कुत्तियों के कबीले की मुख्तार बीबी, जो अपनी हिम्मत से, साहस से सारी दुनिया में मिसाल बन जाती है। इस मुख्तार का छोटा भाई शकूर, 12 साल का शकूर, एक दिन भूर से उठी जाकर मजदूरों के खेत में चला जाता है। बस उसके साथ जबरदस्ती, मारपीट, झगड़े और इन सब को मिटाने के लिए दोनों तरफ से गांव में जगह बैठता है। गुज्जर अपनी गलती मानते हैं,
इसीलिए आप लोगों की तसल्ली के लिए इस कबीले की सबसे इज्जतदार औरत मुख्तारा जाएगी आप लोगों से माफी मांगने के लिए। हम भी देखेंगे वो माफी कबूल करने के लायक है या नहीं। लेकिन काजी साहब, आप अपनी कबीले की सारी औरतों को संभालिए, रही दूसरी बात, शकून को हम नहीं छोड़ेंगे, काट के दरिया में फेंक देंगे उसको। याद रखना हमारी बात, नहीं तो गोली चलेगी हमारी तरफ से। No, no, no.
Yeah.
जा मुख्तारा, और जा। चार दिन से ऐसे लेटे पड़ी है, कुछ खाना नहीं, जाने वाले भी नहीं, चुपचाप, न किसी से बोलती है न कुछ कहती है, ऐसे सन्नाटे में। चल आ जा मेरी गोद में, आ जा, खा ले, देख कुछ भी तेरा नहीं, उन मस्तूइयों का है, उन्होंने तेरा ये हाल किया है, ये जबरदस्ती उन्होंने की है। साफ औरत मुख्तारा, गांव की सबसे सबसे चल कुछ खा ले, कुछ खा ले, एक दीवाना। अच्छा कुछ बोल, बोल ना कुछ, कुछ बोल मेरे साथ, कुछ बातचीत कर। अच्छा याद कर, तू जब बहुत छोटी सी थी, रसोई घर में रोटियां पका रही थी, तो आसमान में उड़ता हुआ एक चिड़िया, चिड़िया का बच्चा तेरी रसोई में आया, तूने उसे भगाने की कितनी कोशिश की, चीखी चिल्लाई भाग जा भाग जा, अब तेरे आग में गिर गया। गलियां, ये नाम तेरी गलियां, वो नाम तेरी गलियां।
मैं क्यों जीऊं? किसके लिए जीऊं? जिसके लिए कुछ न बचा उसका उसका मर जाना ही बेहतर। या खुदा मौत दे मुझे, अब नहीं जीना, मौत दे मुझे, कोई नहीं रोक सकता मुझे, मर जाना कोई नहीं रोक सकता मुझे, या खुदा मौत दे मुझे। पर मैं क्यों, मैंने कौन सा गुनाह किया, किसका बुरा चाहता मैं? मैं तो सब कुछ भुला सकती हूँ, लेकिन लेकिन उन जानवरों के चेहरे को नहीं। अपने हाथों से काली फोड़ कर उनका चेहरा भी काला कर दूंगा मैं। मैं भी बंदूकों को बंदूक करूंगी। खत्म कर डालूंगी बंदूक से उनको। उनकी बिखरी के सुबह के दरवाजे को मैं नेस कर डालूंगी और उन सही औरतों को मैं बर्बाद कर डालूंगी, बर्बाद। पैसे कहां से लाऊंगी? पैसे बंदूक के कहां से लाऊंगी? मेरे पास सब कुछ शकुन को चिराने के लिए पुलिस 10,000 रुपया मांगती, वो भी उधार से देने पड़ेंगे। मुझे मौत नहीं, बदला नहीं, इंसाफ चाहिए। या खुदा मेहरबानी कर मुझ पर, मुझे इंसाफ दिला, इंसाफ। मुख्तारा, याद है बचपन में तुम्हारी दादी जान कहा करती थी कि जब आसमान में सारे तारे गायब हो जाए, पूरा का पूरा अंधेरा हो जाए, सारी खिड़कियां बंद हो जाए, तो कहीं किसी एक कोने से किसी खिड़की का दरवाजा खुलता है और उसकी नीली रोशनी से पूरा का पूरा आसमान भर जाता है। डरो ना, घबराओ ना, इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। मोहतरमा
शर्मा जरा ये तो बताइए कि पैसे कौन दे रहा है आपको, केस कैसे लड़ेंगे आप? जो कुछ भी कहना है कोर्ट में कहूंगी। आप कोर्ट के जज के सामने हैं। 22 जून
मीरा, आपके साथ क्या हुआ? मेरा खौफ के सब कुछ सच सच बोलिए। यह अदालत आपको इंसाफ दिलाने के लिए है, डरिए मत, कहिए आपके साथ क्या हुआ था? La 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 la
सच होता है। स्कूल खुल जाता है, सुबह सुबह बच्चों को देखती है,
आगे बढ़ते हुए दौड़ते भागते उसका मन खुशी से भर जाता है। दाल, 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 ये, शी, 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 शी। वैसे ये सुबह वाला बच्चों वाला स्कूल नहीं, दोपहर वाला जहाँ सारी औरतें घर का काम काज निपटा कर पढ़ने के लिए आती है। मुख्तार ने हर घर के दरवाजे खटखटाए, कुछ दरवाजे खुले, औरतें बाहर आई, क्यों ना आए, उन्हें भी तो पढ़ना है, पढ़ती रहो। तो दो, जो, जो, अब फिर से बोलो अली, अली, दे, दे, या हम घर जाएं? क्यों? क्योंकि मेरे फैमिली का रात को तो बचने दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह। चुप हो जाओ, दूसरी औरत को भैंस कह के बिल्कुल रस्ते दे। अच्छा बताओ यहाँ पढ़ने क्यों आई हो? पढ़ाई करके जिंदगी में आगे बढ़ोगी, खुद दस्तखत करना सीखोगी, घर का सारा हिसाब खर्चा खुद संभालोगी, और अगर कोई तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करे तो उससे लड़ोगी। बड़ी भी मैं ना बहुत डराती हूँ, पर मैं ना सबकी इज्जत भी करती हूँ। क्यों करते हो ना? पर आज ना मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे बच्चे भी भूखे होंगे, मैं घर जाऊँ? इस तरह से रोज रोज बहाने बनाकर चली जाओगी तो पढ़ाई कैसे करोगी, है ना? हाँ, बिल्कुल इसलिए हमने तय किया है कि हमारे स्कूल में जो रोज आएगा उसे इनाम मिलेगा। फैसला आता है कि चार को छोड़कर बाकी सबको रिहा कर दिया जाए,
तो लाहौर कोर्ट के सामने सारी औरतें छाती पीट पीट कर गुस्से का इजहार करती है और मुख्तार उसके मन में तो फिर वही खौफ डर। अब क्या होगा, सारे के सारे मस्त हो अगर छुट कर बाहर आ गए तो क्या हश्र करेंगे उसका और सबका। नसीम उसकी दोस्त मकान पड़ने वाली नसीम, उसे हमेशा उसके साथ रहने वाली नसीब उसे हिम्मत बढ़ाती है। तुम्हें इतना क्यों लगता है मुख्तारा? ये डर नहीं, मुझे भरोसा नहीं किसी पर, कभी कभी कानून पढ़ती नहीं। पर मुझे है, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा क्योंकि तुम कानून पढ़ती हो, जानती हो, इसलिए कह रही हो। ये पढ़ने की बात नहीं है मुख्तारा, जो आधी रात किसी की परछाई देखकर खौफ से भर जाए और रात रात भर सो न सके, ये डर नहीं तो और क्या है मुख्तारा? मैं डरपोक नहीं हूँ, अगर होती तो कानून की लड़ाई नहीं लड़ती, दूसरों की तरह चुप होकर घर में बैठ जाओ। मुझे परेशानी खुद को लेकर नहीं, दूसरी औरतों को लेकर है, और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। उनके बदन का ऐसा ही हश्र किया जाता है।
कौन सा शैतान है ये, कौन सी जिंसी हरकत है जो ऐसे करने पर मजबूर करती है, कौन सा पागल बना है, बढ़ता जाता कहीं रुकने का नाम नहीं, कहीं कोई दरवाजे बंद होने की जगह नहीं, हर रोज और सारे के सारे लोग जैसे आजकल की तरह चुपचाप बैठकर तमाशा देखने के लिए उतारू रहते। या अल्लाह कब छुटकारा मिलेगा। हे जंगल में भाग जाओ या बंद कमरे में रोती रहूं, रोती रहूं, रोती रहूं,
और अपना सर पटकती रहूं या अपने गले में डोरी बांधकर किसी कुएं में कूद जाऊं या अपने आप को काट कर दरिया में फेंक दूं या जल्दी एक बार चलती जाऊं थक कर खो जाऊं या अपने पेट की सारी अतड़िया खिलवाकर जीने की तमन्ना लेकर निर्भया की तरह जीते जी मर जाऊं नहीं कभी बिल्कुल नहीं ऐसा मैं होने नहीं दूंगी अपने वकील से कहकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में फरियाद करूंगी क्यों लौटे कदम हमारे न मुड़ेंगी न शर्म से जिएंगी